हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की चर्चा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की चर्चा है? 3 प्रकार की। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत कथन को चयन करना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। दूसरा कथन है, असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी तो राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। यही तो गलत है। जी डी बिड़ला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला प्रदर्शन किया। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो किसान, श्रमिक और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, बल्कि इन लोग ने भी भाग लिया था। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा था। गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर C, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। पहला, पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम से। बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, वह स्थान जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है। चौथा, भूपृष्ठ का वह बिंदु जहाँ पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडलीय समितियाँ किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही आंसर है संविधानेतर, यानी संविधान के प्रति उत्तरदायी है, उत्तरदेय है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजघाट की संधि की? ऑप्शन 1 में है बड़ोदरा के गायकवाड़ से, नागपुर के भोसले से, ग्वालियर के सिंधिया से, इंदौर के होलकर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर के होलकर से। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी स्थित है। पहला, कांकड़ा और धौलावधर पर्वत श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत के मध्य, महाभारत और धौलाधार पर्वत श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। तो इसका आंसर क्या निकल करके आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, यानी ऑप्शन B। नेक्स्ट, किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? तो इसका तो कथन स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसका आप आराम से मारिए। अलादीन कृष्णमाचारी अय्यर ने कहा था। इसका ऑप्शन B सही होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजों को नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसमें 4 क्षेत्र दिया हुआ है, गढ़वाल तथा कुमाऊं, दूसरा सिक्किम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा मसूरी। कूट में है केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4 और केवल 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। नेक्स्ट, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, 2 में है केन, 3 में है सिंध, 4 में है चंबल। तो इसको किधर से करना है? तो इसका है पूरब से, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले पश्चिम में कौन आ जाएगा? चंबल, फिर सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा, उसके बाद केन। ऑप्शन में 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर 1,
ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय में मंत्री बनाए गए थे, यानी किस मंत्रालय में उनको मंत्री पद दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाग में। नेक्स्ट, भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग। बाकी वस्त्र उद्योग में मिला था, चाय तथा कॉफी के बगान उद्योग में मिला था, चमड़ा उद्योग में मिला था, यानी इस्पात उद्योग में नहीं मिला था। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? मिसप्रिंट है यहाँ पास लिखा हुआ, ये वाला यहाँ पास आमतौर होगा। सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, बताइए इसका आंसर। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, अनिश्चित। देखिए ऐसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बाकी उल्ट चुनाव लड़के अनिश्चित हो सकता है, जितना साल तक वो रह सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चित। नेक्स्ट, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत के प्रशासनिक एकीकरण, भारतीय सेना में जातीय संतुलन, भारतीय व्यापार का यूरोप में प्रतिबंध। इसका आंसर ये होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील दिया है, सूची 2 में अवस्थित, यानी कि कहाँ है? शाला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीपेली झील तमिलनाडु। तो इसमें कूट का प्रयोग करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित नहीं है? संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 17। भाग 17 राजभाषा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार में था। दूसरा, थियोसोफिस्टो ने हिंदुत्व, जरथुरस्त मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया, और इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसे चयन करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 तथा 2 दोनों सब कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, कन्याकुमारी से कौन सी पहाड़ियाँ सटी हुई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्डेमम पहाड़ी। कार्डेमम पहाड़ी इसका सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ, नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना
किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है? सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है, यहाँ पास में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक कौन है? जलोढ़ मिट्टी, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विशेषाधिकार समिति में राज्यसभा एवं लोकसभा से सदस्यों की संख्या होती है 10 और 15, 10 और 15। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया है? अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? भागीरथी एवं अलकनंदा, बी यमुना एवं भागीरथी, सी काली एवं टॉन्स, डी भागीरथी एवं भीलांगना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? भागीरथी एवं भीलांगना पर। 25, भारत में जनहित याचिका के प्रतिपादक रहे हैं निम्नलिखित में कौन है जो भारत के जनहित याचिका के प्रतिपादक रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी एन भागवती, यानी कि ये दोनों रह चुके हैं। तो ये दोनों ऑप्शन बी और सी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में कहा है, उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। दो, वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कौन सत्य नहीं है। तो धन लूटने के ख्याल से आया था, भारत में शासन स्थापित करने के ख्याल से नहीं आया था। अगर सत्य कहता तो ऑप्शन ए सही था, लेकिन यहाँ क्या कहा है, कौन सा सतन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन बी, यानी केवल दो गलत है, बाकी ये सही है। नेक्स्ट, ग्रीन गोल्ड किसके किस्म है? इसका आंसर तो आप बताइए, ए चार का, सॉरी चाय का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ये आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है? पहला कथन है, चोल राज पेनार और बेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। दूसरा कथन है, उनकी राजधानी पुहार थी। तीसरा कथन है, चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की थी। चौथा कथन है, एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था। अब नीचे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी इसका कूट का प्रयोग करना है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कथन सही है, कथन 1, 2 और 4, ये तीन कथन सही है, बाकी कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी कब? तो इसका आंसर 1974।
कब किया गया था? 1974 में। नेक्स्ट, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? सरकारिया है तो ये 1988 में प्रस्तुत किया था, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं और उनके समय को सुमेलित कीजिए। 1556 ईस्वी नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कल्याण, बी 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई, सी 1761 हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई, 1739 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर निकल करके क्या आएगा आपका? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नागरीकरण का स्तर यानी कि प्रतिशत कितना था? 33.15%। 33.15% राउंड फिगर में आप 33% याद रखिए। नेक्स्ट, वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2.5 लाख। ऑप्शन ए। किस वर्ष जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था? 1611 ईस्वी ने, 1611 में विवाह किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिजोरम में स्थित फावंगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? नील पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक अनुमोदक एवं प्रस्ताव की संख्या कितना होता है? 50-50, 50-50। नेक्स्ट, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? धम्म महामात, किस नाम से जाना जाता है? धम्म महामात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ था? इसमें सबसे ज्यादा हुआ था वह है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद का एक वर्ष में कम से कम कितने बैठक होनी चाहिए? कम से कम 3 बैठक होता है, कम से कम 3, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हड़पई स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा इसका मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। क्वेश्चन 42, संसद केंद्र का किस प्रकार का अंग है? कार्यपालिका, विधायी, न्यायी और इनमें से कोई नहीं। तो संसद विधायी, विधायी है, कौन सा है? विधायी, कार्यपालिका नहीं है, विधायी का है। नेक्स्ट, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? बोलन दर्रा, ऑप्शन ए बोलन दर्रा। निम्नलिखित में से कौन उस संघ का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? शुजाउद्दौला था, शाह आलम था, मीर कासिम था, मीर जाफर नहीं था, मीर जाफर नहीं था। नेक्स्ट, 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती
आरंभ कर दिया ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। अहमदाबाद, चंपारण, चौरी चौरा, दक्षिण भारत। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण भारत। नेक्स्ट, हंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको बताना है हो समुदाय। आंसर क्या होगा? हो समुदाय। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में दिया है खनन क्षेत्र, सूची दो में है खनिज। गुरु महिसानी, तलचर, जादूगोड़ा, जावर, और इधर सूची दो में क्या है? सीसा, यूरेनियम, लौह अयस्क और कोयला। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 मई 2000 को, 11 मई 2000 को। नेक्स्ट, सर विलियम्स जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी अनुवाद किया था? ये किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का, ऑप्शन नंबर सी। पश्चादगमन और संकेंद्रण की नीति यानी विड्रॉवल एंड कंसंट्रेशन पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, इसका आंसर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। 50 क्वेश्चन आपका खत्म, सोशल साइंस का एक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साइंस का अगला 50 क्वेश्चन लेकर करके आएंगे। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसका कोई फी नहीं लगता है, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।